पति की हैवानियत का शिकार बनी पत्नी। जी हां, गोंडा जिले में एक विवाहिता महिला के साथ उसके पति द्वारा हैवानियत किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाकर पत्नी के साथ दुष्कर्म कराया। विरोध करने पर पत्नी को रिश्तेदार संग मिलकर मारा पीटा और लोहे की रॉड से पत्नी के शरीर को कई जगह दाग दिया। हैवानियत से गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति व रिश्तेदार के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व जानलेवा हमले का केस दर्ज कर आरोपी पति व उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है और छानबीन में जुट गई है। हैवानियत का यह सनसनीखेज मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति उसे पसंद नहीं करता और इसी वजह से अक्सर उसे प्रताड़ित करता रहता है। आज वह उसे बाइक पर बिठाकर अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसे अकेला छोड़कर खुद बाइक ठीक कराने के बहाने चला गया। पीड़िता का कहना है कि उसे अकेला देख उसके रिश्तेदार ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इसी बीच उसका पति भी आ गया। फिर उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसके शरीर पर कई जगह लोहे की गर्म रॉड रखकर उसे जलाने का भी प्रयास किया। एक महिला सिपाही को आता देख दोनों उसे छोड़कर भाग निकले। महिला सिपाही के सहयोग से वह जिला अस्पताल में पहुंची। हमारे घर वाले सब लोग हमें नापसंद करते हैं और मेरे पापा मौके मांगा दहेज दिए हैं। एक दूसरे को देखकर शादी हुआ था, लड़की लड़का पसंद करके। तब भी हमको सब लोग पलायन करने के लिए, मारने के लिए हर घर ही हर वक्त नाइट और दिन में सोचते थे। लेकिन हमारे पिताजी कहें कि शादी कर दिया हूँ तो वही अपना घर है। मैं अपने पिताजी के कहने से ही चली गई ससुराल। उन्होंने हमें शॉपिंग कराने के बहाना लेकर आए केला खिलाने। फिर अपने फूफा के यहाँ, मुझे फूफा लगते हैं कि मामा लगते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई लगता है, इनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ मुझे लेकर आए। फिर उतार देते हैं कि बाइक खराब हो गई है, सही कर ले। मैंने उतर गई, बस हमको अंदर कमरे में ले गए और बंद करके, जितना एज आपका इससे और थोड़ा एज होगा। उन्होंने हमें चले बेइज्जत करने, तो हमने हाथ जोड़ा, कहा कि मुझे मत बेइज्जत करो, लेकिन उन्होंने माने नहीं। ज़बरदस्ती तक हमें दागने लगे। हमारा पति कहा कि तुम्हारे किससे दागे? कल चूल्हा जो चावल होता है जलाने वाला, कहे कि हमारे पिता का नाम है राम तीरथ है। तो पति ने दागा? पति ने कहा, पति साथ में था। पति किसने दागा? पति और उनके साथ जो थे उन्होंने? पति ने कहा और वो दागा, पति नहीं दागा। कौन था वो? वो उनके मामा लगते हैं कि फूफा लगते हैं, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार है। लेकिन कहा मेरे पति ने कि, मेरे पति ने कहा कि बेइज्जत कर दो और दागो, और उस राम तीरथ हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर हमने एक महिला पुलिस जा रही थी, तो मैंने उसको देखी, इन्होंने देखा तो ये लोग बस छोड़ दी। तो मैंने भागा, फिर आया, पूछा महिला पुलिस से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे जाओगी तब गोंडा पड़ेगा। तब मैं भागते भागते आई। फिर उसके बाद में मैं यहाँ भी होश हो गई हॉस्पिटल पहुँच कर। क्या पूरा मामला क्या हो गया? शादी कब हुई थी? क्या दिक्कत थी? शादी 2017 में किए थे, उसके बाद में 2019 में गया, तीसरे साल बीच में दहेज की प्रथा लेकर उसको पटाई करते रहे। दो बार आने जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार फिर पटाई करने लगे। बीच में ये लोग उसको मारा पीटा, दवाई के बहाने अस्पताल, जिला अस्पताल के लिए लाने को कहा, और वहाँ से अपने फूफा के यहाँ, यही बगल में है उनके फूफा, जानकीपुरम में या जानकी नगर में, विश्वनाथ नाम से, वहाँ उनके घर ले जाकर उसको बुरी तरह से उसकी हालत खराब किया, तो मारा पीटा, और यहाँ जिला अस्पताल तक भाग के वो कोई रूप से कैसे आई हमको ये नहीं पता है। हमको जो सूचना मिली, खेत में थे, वहाँ से हमने आया तो अपनी लड़की को देखा कि नहुलहान खेत। कहाँ पे चोट लगी है? कहाँ मारा पीटा? क्या किया? चोट दोनों जांघ पे लगी है, बड़ी बड़ी दागे बनी है, तनई वो दागा गया है, उसके शरीर के नीचे वाले हिस्सा से ब्लड आ रहा है। डॉक्टर
लखनऊ के लिए रेफर कर रहे हैं, हम ऐसे स्थिति में कैसे काम वगैरह किया गया है? हाँ, गलत काम करने का प्रयास किया गया होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि पीड़िता ने अपने पति व उसके एक रिश्तेदार पर मारपीट करने व सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए हैं। आरोपी पति व उसके रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़िता का इलाज चल रहा है, मेडिकल परीक्षण के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। थाना खरगुपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र लगभग 20-21 वर्ष है, जिला अस्पताल आकर उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ उनके पति तथा उनके 70 वर्षीय फूफा, पति के 70 वर्षीय फूफा के द्वारा मारपीट तथा सेक्सुअल असॉल्ट की घटना कारित की गई। सूचना प्राप्त होते हुए तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। लिखित तहरीर के आधार पर आगे का अभियोग पंजीकरण एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इसमें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जो पीड़िता है उनका कराया जा रहा है। पति से अभी तक की पूछताछ में उसने मारपीट की घटना विवाद में स्वीकार की है और अन्य आरोपों से उसने इनकार किया है, परंतु दोनों आरोपियों से डिटेल्ड पूछताछ अभी प्रचलित है। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।